जी हाँ, आप ये देख सकते द हैं मिशन एटीट्यूड ऑपरेशंस होल्ड टीम फेस भी इज बहुत एनालाइजिंग द ही डेटा. आसानी से लैंडर फेस ने पार कर वी लिया कैन है ऑल और अब सी फाइन द ब्रेकिंग की सीरियसनेस एंड द शुरुआत हो कॉन्सेंट्रेशन विद चुकी है। विच ईच अभी एंड हम एवरी ये देख पैरामीटर सकते ऑफ द हैं लैंडर कि मॉड्यूल इज बीइंग लैंडर एनालाइज्ड. की ऊंचाई लगभग द 5.6 किलोमीटर है, परफॉर्मेंस सो जो फार कि सीम्स टू बी स्पेस के नॉमिनल. उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर जीआरओसी हो जाएगी। चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा वी रही कैन है। हियर फ्रॉम इस दौरान द आपके स्क्रीन मिशन पे सारे ऑपरेशंस डेटा टीम इसरो दैट के द डीप सेंसर्स स्पेस आर नेटवर्क परफॉर्मिंग से रियल नॉमिनली टाइम में आ रहे हैं। एंड इस वी आर मिशन में करेंटली इन द मिडस्ट सेकेंड ऑफ द और थर्ड फाइन ऑर्डर ब्रेकिंग फेज विच इज गोइंग टू गाइडेंस कंटिन्यू पॉलिनोमियल का फॉर प्रयोग थ्री हुआ है, मिनट्स जो कि एंड इनर्शियल थ्रस्ट ऑल्टीट्यूड और एंगल इज के गोइंग टू बी रेड्यूस्ड हमेशा टू सुनिश्चित नियरली करेगा। 800 मीटर्स एट द एंड ऑफ दिस फेज. ड्यूरिंग द एंटायर जी डिसेंट हाँ, देर जैसे इज कि नो आरओसी ग्राउंड जी ने बताया इंटरवेंशन कि एज द लगभग तीन एएलएस हैज मिनट के टेकन उपरांत चार्ज. द लैंडर की प्रिपरेशन ड्राइव फॉर लगभग टुडेज 800 इवेंट हैड मीटर स्टार्टेड नियरली वर्टिकली 48 होगी आवर्स और बिफोर यहाँ पे वेर इन वेरियस प्री लैंडर की सेलेक्शंस एंड हॉरिजेंटल अपलिंकिंग ऑफ वेलोसिटी, पैरामीटर्स वर्टिकल वर वेलोसिटी, डन. इवन वी कैन डाउन सी रेंज दैट भी द लगभग लगभग वर्टिकल शून्य होगा। वेलोसिटी ऑफ द लैंडर मॉड्यूल हैज वी कैन बीन सी द ब्रॉट विजुअल, डाउन ऑफ द इट इज लैंडर मॉड्यूल कंटिन्यूअसली एंड कमिंग वी डाउन कैन सी दैट द डाउन रेंज ट्रेवल्ड इज नियरली एंड द 831 एएलएस हैड किलोमीटर्स ऑलरेडी बीन वन इनिशिएटेड 1 आवर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द पावर डिसेंट स्टार्ट. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी जी हाँ, हाँ, आप आप अपने अपनी स्क्रीन स्क्रीन पे पे देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि लैंडर लैंडर की मॉड्यूल, ऊंचाई जिसकी अब शुरुआत में चंद्रमा की वेलोसिटी सतह से 3 1,680 किलोमीटर से मीटर कम कम हो हो चुकी चुकी है. है, लगभग लगभग 1,150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, वी जो आर कि वेरी एक बहुत क्लोज ही टू द मून मैजेस्टिक शुरुआत कही सर्फेस जा सकती नियरली है इस टू रफ पॉइंट ब्रेकिंग सिक्स फेज के लिए। किलोमीटर्स एज वी कैन सी. यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 जी किलोमीटर हाँ, के अभी आप देख आसपास है। सकते हैं कि लैंडर की आप स्क्रीन ऊंचाई पर ये भी देख लगभग सकते लगभग हैं 1 किलोमीटर चंद्रयान 3 के लैंडर आसपास इमेजर है। डिस्प्ले. द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूअसली टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सरफेस एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग स्ट्रीम्ड हियर. वी आर नियरिंग करेंटली द हॉरिजॉन्टल द फाइनल वेलोसिटी फेज ऑफ द पावर डिसेंट, हैज बीन ब्रॉट डाउन एंड द विच इज गोइंग डिस्टेंस टू बी द ट्रेवल्ड वर्टिकल इज डिसेंट फेज और द 574 लोकल नेविगेशन किलोमीटर्स. फेज। The current altitude is 27 kilometers as can be seen जी on the हाँ, screen. अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के जी हाँ, एकदम करीब करीब आ चुके करीब हैं। आप तालियों अपने के आधे गड़गड़ाहट सफर पर को चूक पूरा करते करते हैं हुए कि इस रफ ब्रेकिंग हम फेज लोगों ने में तीसरे चरण लैंडर को बहुत ही भी आगे की तरफ बहुत ही बढ़ते हुए अपनी सफलतापूर्वक ऊंचाई को हासिल घटा कर रहा लिया है। है. अगर अब बात और करें, जो अभी हम लैंडर की वर्टिकल ऊंचाई ऊंचाई फेज में आ चंद्रमा चुके के हैं, सतह इसकी से शुरुआत भी लगभग 27 बहुत ही किलोमीटर अच्छे से ढंग से नीचे हो हो चुकी चुकी है. है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। Lot of applause द नेक्स्ट फेज आफ्टर द indicates रफ that ब्रेकिंग फेज इज द till एटीट्यूड now होल्ड the फेज, performance has विच been विल nominal. बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ वी आर नियरली इन द 10 वर्टिकल सेकेंड्स. डिसेंट फेज द 1, लैंडर विल बी ओरिएंटेड सच दैट बोथ द ऑल्टीमीटर्स विल बी द लुकिंग ऑल्टीट्यूड एग्जैक्टली इज बीइंग टुवर्ड्स द ब्रॉट मून डाउन फ्रॉम सर्फेस. 800 एट द मीटर्स एंड ऑफ दिस एंड वी एटीट्यूड आर होल्ड फेज, नियरिंग एंड हाइट अप्रोचिंग मेजरमेंट द अपडेट टू लूना नेविगेशन सर्फेस। सिस्टम विल बी गिवन फ्रॉम द लेजर एंड कार बैंड जी, आप ऑल्टीमीटर्स. अपने स्क्रीन पे देख करेंटली वी सकते आर इन हैं द कि मिडल ऑफ द लैंडर रफ का ब्रेकिंग फेज. हाइट लगातार कम होता जा रहा जी है। हाँ, अगर इस हम समय हम लैंडिंग ध्यान साइट से के जस्ट देखें तो ऊपर लगभग हैं और 8 इस से समय 8 8 मिनट मिनट की की यात्रा यात्रा के के बाद बाद 600 मीटर के आसपास लैंडर है। अपनी इस हॉरिजेंटल फेज के वेलोसिटी को दौरान लगातार लगभग कम एक करते सौ हुए पचास मीटर अपनी के ऊंचाई, ऊंचाई अभी पे की ऊंचाई पहुंचने के के समय बाद 24 लैंडर 24 अगेन किलोमीटर की ऊंचाई लगभग 20 प्राप्त से कर 22 चुका सेकंड है। के लिए हॉवरिंग करेगा। वी आर अबाउट द लैंडिंग अब तक साइट. के आंकड़े को देखते द हुए हम कह सकते हॉरिजॉन्टल हैं कि एज वेल एज द लैंडिंग वर्टिकल पूरी तरह से वेलोसिटी नॉमिनल है। इज नाउ बीइंग यहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली देख सकते रेड्यूस्ड हैं कि एंड द हॉरिजेंटल लैंडर वेलोसिटी मॉड्यूल हैज लगातार बिगन इट्स कम डिसेंट होती हुई टुवर्ड्स द दिख रही लैंडिंग है। साइट. द आल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज जी करेंटली हाँ, 12 आप किलोमीटर अपने स्क्रीन पे देख इज सकते हैं करेंटली कि जो 22 पथ किलोमीटर निर्धारित विच किया इज गया है अगेन लैंडर गोइंग टू पूरी बी तरह से उसी कमिंग को ही डाउन फॉलो एंड कर रहा दैट है. इज एक्सपेक्टेड। इस समय हम लगभग 200 मीटर की फॉर द हाइट से भी व्यूअर्स हु हैव कम आ ज्वाइंड चुके हैं। नाउ, वी आर इन द
पावर डिसेंट फेज एंड वी आर इन द रफ ब्रेकिंग फेज विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द अब हम पावर ये देख डिसेंट. सकते हैं कि वी हम हैव लगभग करेंटली लगभग एक ट्रेवल्ड सौ अ डाउन पचास रेंज मीटर ऑफकी सिक्स ऊंचाई हंड्रेड पे एंड हैं नाइन्टी सेवन चंद्रमा के किलोमीटर्स सतह से। एंड द डाउन रेंज दैट हैज टू बी ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस फेज इज सेवन वी आर हंड्रेड एंड थर्टीन अप्रोचिंग पॉइंट फाइव द किलोमीटर्स. वर्टिकल डिसेंट जी फेज हाँ, टू अभी आप विच देख विल सकते हैं हैव द कि लैंडर लैंडर मॉड्यूल की होवरिंग हॉरिजेंटल एट वेलोसिटी नियरली लगभग वन लगभग फिफ्टी 720 मीटर्स अबाउट द मीटर लूना प्रति सेकंड सर्फिस. हो गई है जी हाँ, आप लगभग तालियों के लगभग गड़गड़ाहट को हम सुन ये कह सकते सकते हैं हैं कि जो 900 कि सेकेंड मीटर हैवरी प्रति फेज के सेकंड कंप्लीट होने के बाद वेलोसिटी को कम इन किया जा सारे चुका है। वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। एट द सेम टाइम वी कैन जी सी द हाँ, आप अगर आल्टीट्यूड ऑफ द फिर से ध्यान लैंडर से इज जस्ट देखें तो एल्टीट्यूड इतना कम होता 17.8 जा रहा है. किलोमीटर फ्रॉम अभी द हम लोग लगभग मून लगभग सरफेस, 135 विच इज मीटर गोइंग की टू ऊंचाई बी पे हैं. अराउंड 7.4 एट द एंड ऑफ द रफ ब्रेकिंग द फेज। सेंसर्स दैट आर अपडेटिंग एट दिस पॉइंट आर प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लैंडिंग साइट. इस फेज के बाद एज एक्सपेक्टेड द हम जाएंगे रीटारगेटिंग इज गोइंग टुवर्ड्स ऑन एंड दिस इज अ वेरी गुड सिग्नेचर एटीट्यूड होल्ड फॉर द फेज लैंडर। अभी where आप we ये will देख be सकते expecting हैं sensor कि update from the लैंडर की laser ऊंचाई and लगभग Ka band 65 मीटर altimeters. के आसपास बची हुई है। we can see the visualization of the lander module currently moving only towards two the moon engines are surface. now being fired the current altitude and is we are nearly nearly 15.2 kilometers zero velocity and the distance vertical traveled and is horizontal. 754 kilometers. we are hovering and now we can also see the image approaching the moon that the surface. lander imager camera has been providing. धीरे लैंडर की जी हाँ, वेग इस मान रफ को कम ब्रेकिंग किया फेज जा के रहा है दौरान आठ और सौ हम न्यूटन लगभग के 50 चारों थ्रोटोबल फीट से इंजन भी अपने कार्य काम आ को चुके पूरी हैं. तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल we can वेलोसिटी see को the लगातार honorable कम prime कर रहे minister हैं। shri narendra modi अब ji तक लैंडर who लगभग is लगभग here to encourage us अपने and he is 75 से 80 critically परसेंट की looking यात्रा at को पूरा the कर चुका visuals है। after the rough braking जी and the हाँ, altitude hold आप phase, अपने we shall स्क्रीन be पे देख having the सकते final हैं braking phase. कि हम it will continue for nearly 3 minutes. लैंडर मॉड्यूल The whole phase is being driven People by the autonomous landing sequencer. Let us there was way intervention here from ground from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO Shri S Somnath. जी हाँ ऋषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से जो करंट सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है लगभग लगभग ये हम लोगों के लिए किलोमीटर के बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत हाँ, है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं की चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उमदा द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूशन। नरेंद्र मोदी जी, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। Sir, we have achieved soft yes, landing on the moon. To have India with us is on the moon. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Sir, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं altitude hold phase भी बहुत ही मेरे आसानी प्यारे से परिवार lander phase ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग जब की हम अपनी आंखों शुरुआत के हो सामने चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है तो जो कि इस फेज के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की वी कैन हियर फ्रॉम द मिशन ऑपरेशन टीम दैट द सेंसर्स आर परफॉर्मिंग नॉमिनली and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ से लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। ये क्षण we can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers.
140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं।